उत्तर प्रदेश की औरैया से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक नाबालिग लड़की के साथ में दो आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये मामला है 11 अगस्त का, जहां पर पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है शासन प्रशासन से न्याय के लिए। और एक नाबालिग लड़की जिसका दुष्कर्म के बाद जिसकी हत्या कर दी गई, वह उसका परिवार दर बदर की टोकरे कर। आइए डालते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। गुड़िया, क्या मामला है? पत्थर मारो फेंक करार मार, नीला छोटू ने मजा काटते तुम्हारे बाप का कर पाएगा, तुम मार के फेंक दिए। इससे पहले भी कोई घटना हो चुकी है? बहन मार दी 15 साल की। क्यों मार दिया? क्या कोई इनसे रंजिश चल रही थी? क्या है कुछ नहीं चलती, मार के फेंक दी। और विजय ने और लल्लू ने हमारी बिटिया के साथ घटना करी है, और उनने घटना करके अब जी एक लोग पकड़ गए। अब जी देखो उनको माता जी, घटना क्या की? घटना क्या थी? जो घटना है कि देखो भाई मोड़ी गए मुलाकात करके फांसी में टांग दो। और तो लड़की आपकी 15 साल की लड़की थी, एक पकड़ गए, दो फरार है। कौन कौन फरार है? लल्लू और विजय फरार है। पुलिस क्या कह रही है? हमारी कोई मदद नहीं दे रही। इसके बाद क्या घटना हुई? अब जो घटना है इसके, जो लड़की भैंसियाँ पे आन गई, उसको मारो पथरा घेर लिया कि मार के फेंक दिया, उसको बात कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब जो लड़की साथ में आई है उसको भी मारने की धमकी दी जा रही है? मारो छाती में पथरा धमकी दे रहे कि मार कर फेंक दिया, कुछ नहीं तुम्हारे बाप कर पाए। जिस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ वो जीवित है या क्या हुआ? वह मर चुकी है। कैसे मरी? उन्होंने बिलाकात करके फांसी में डाल दी, मार दी। तीन लोगों ने मारी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार